अच्छा क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई जान, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे आप लोग कावा बेचते हो? जी मैं कावा बेचता हूँ, मैं डायरेक्ट खान तोहला शरीफ से आया हूँ। गरीब लोग हम लोग, यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल है, बच्चों का रोजी भी नहीं हो रहा, अब अल्लाह क्या करेगा, हमारे साथ क्या होगा। सही बात है। तो अभी महंगाई का जो अरूज आया है हमारे ऊपर, बस एक सैलाब आया है। एक जमाने में सैलाब आया था 2010 में, अभी वो महंगाई का सैलाब हमारे ऊपर आ गया, गरीब के ऊपर। अच्छा, अल्लाह से मांग रहे हैं, अभी बंदे किसी को छोड़ते नहीं है, बस खा रहे हैं। अच्छा। जिसका जैसे चलता है वैसे ही करता है। चीनी लेने के लिए जाओ तो 120 रुपए किलो। अच्छा। दूध लेने के लिए जाओ तो 170 रुपए किलो। हमारा गरीब का अल्लाह ही है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि ये महंगाई नवाज शरीफ ने की है या इमरान खान ने? यार ये किसी का कसूर नहीं है, जो भी आ रहे अपना घर भर रहे है, गरीब का कुछ नहीं सोच रहा। सही बात है। जो अमीर जितने भी हैं, पहले इमरान ने ऐसे दावे किए थे अभी मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, वो भी चला गया अपनी जान भर कर। अभी ये भाई शहबाज शरीफ आया, ये बोल रहे अब तो पीछे कुछ नहीं है। चलो कुछ नहीं तो गरीब के लिए इतना तो करो कि इतना महंगाई तो गंदम का बोरी मैंने लिया अभी 7000 रुपए में। बिल्कुल, हमारे 10 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे उसके साथ। और 10 बच्चों के लिए हमने खाना भी खिलाना है उनको, और डॉक्टर भी जाना है। अब गोली लेने जाए तो एक गोली 10 रुपए का देते हैं, हमारे पास तो ये मुश्किल हुई है। सही बात है। तो आप सिर्फ यही काम करते हैं, इससे अलावा भी नहीं? भाई जो काम आ जाता है बस ये, अल्लाह के आसरे पे हैं। मंडी है अभी कराची में, मैं तो उस मंडी को देख के आया हूँ कि अल्लाह पाक रोजी देगा तो हम बच्चे को खिलाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जरूर देगा, अल्लाह से उम्मीद रखो। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है अल्लाह पाक हर मुसलमान को रोजी दे, वो अपने हाथों से। लेकिन इंसान हमारे मुल्क का जो हो इस टाइम, बस हमारे को बर्बाद कर दिया इस मुसलमान ने। बाकी दूसरे मुल्कों में जाओ तो अल्लाह की कसम देख देख कर हैरान होता है इंसान कि देखो कितने आराम से गरीबी भी घूम रहा है, बच्चों का रोजी भी खा रहे, कमा रहे। वो तो गाड़ियों पे चढ़े हुए, हमारे को तो गाड़ी तो गाड़ी हम पैदल भी नहीं जाने देते, लूट लेते हैं। सही बात है, सही हम बात क्या करें। तो आपको अंदर आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी फिलहाल तो परेशानी नहीं है। बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर भी टैक्स लगेगा। ठीक है चलो भाई, जब टैक्स लेंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ से। अल्लाह पाक, अंदर आने में हमने ये देखा है कि जो लोग आ रहे हैं उनसे पास लिया जा रहा है, वरना पास के बगैर अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। बिल्कुल ये बात अच्छी है तुम्हारी, लेकिन जो उनके अपने हैं वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कानून गरीब के लिए कुछ के लिए, प्रदेश जितनी प्रदेश ही उनके लिए कानून लगा हुआ है। सही बात है, हमारे लिए कानून है। आपसे तो कोई पैसे वैसे फिलहाल नहीं लिए, अदर बोल रहे हैं और लोग बीच कावे जो कावा बेचता है या कोई और काम करते हैं उनसे भी लेते हैं, अभी तक मेरे पास आया कोई नहीं। अल्लाह ही जाने, जब आएगा तो उनसे बोलेंगे भाई हम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हमारे पास बेहतर करे। चलो सही, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश रखे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।